एवरीवन, दिस इज एपीआर। या ऑफ कोर्स दिस इज नूडल। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो को डायरेक्ट, क्योंकि आज मेरा डायरेक्टर बनने का बहुत मूड हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी अच्छे से फोटो ली जाए। सो आज के मेन इंग्रेडिएंट है दिस नूडल और ये गार्लिक, मेन इंग्रेडिएंट्स। और आगे के इंग्रेडिएंट्स, आई मीन जैसे और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको मिलाऊंगी, बट इस रेसिपी को बनाने के लिए, ओ यार क्या बोल रही हूँ, इसको बनाने के लिए आपको इसको उबालना होगा। और इसको हम नॉर्मल मैगी की तरह नहीं बनाएंगे या नॉर्मल नूडल्स की तरह नहीं बनाएंगे, हम इसे कुछ बनाएंगे और ये कुछ बन के रहेगी। यस, तो नूडल्स को बनाने के लिए हम करेंगे गैस ऑन और इसमें डालेंगे पानी। और मैं इस अपने एक लोते फ्राई पैन में डालूंगी इस नूडल्स को जब ये पानी उबल जाएगा और हम इसे निकाल लेंगे उसके बाद। और उसके बाद हम क्या करेंगे देखते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी उबलेगा तो फिर हम डालेंगे अपने नूडल्स को और इसको उबलने देंगे, और जब ये उबल जाएगी तो इसका पानी फेंक देंगे। और उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी गोना डू। डाल दिया है नूडल्स को इस उबलते हुए पानी में, और जब ये उबल जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे और आगे की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये हमारी नूडल्स जो है लगभग उबल ही चुकी, पक गई है, तो हम इसे गैस से निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है, यह है वो चार मुश्तंडे गार्लिक जिसको हम कूट लेंगे और कूट कर डाल लेंगे एक बाउल में। ये हमने गार्लिक, अब डालेंगे इसमें सोया सॉस, मिर्ची और नमक। हमने डाल लिया सोया सॉस, नमक, मिर्ची और गार्लिक। अब इसमें डालेंगे अपनी नूडल्स। नाउ लेट्स मिक्स इट। ना जब खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वैसे ही सोया सॉस गिर चुका है। ये थी हमारी नूडल्स, ये बहुत ही गार्लिक से भरपूर बनी है एंड मिर्ची भी। तो आप इसका जो रेशो है वो अच्छे से मतलब मेजर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि कम कम ही सोया सॉस डालें और मिर्ची डालें। यस, ना तो ये कोरियन नूडल थी ना ही इंडियन नूडल थी, ये कुछ ऊट पटांग नूडल बन चुके। सो नाउ लेट्स ईट इट। आई डोंट नो व्हाई बट इसके अंदर भी मिर्ची तेज हो गई है एंड गार्लिक एक्सट्रीम हो चुका है। और तो मेरा सजेशन है कि गार्लिक थोड़ा कम डालें और मिर्ची भी कम डालें। तो इसको फिनिश करना पड़ेगा, और ये भी स्पाइसी नूडल चैलेंज में जा सकते हैं, बट इसके अंदर जो स्पाइस है वो है गार्लिक। ओह माय गॉड, ला 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 ला। चलो खाते हैं इसे, बाय बाय। उसको दो तीन बार टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसके अंदर यू नो दो नूडल के पैक जो होते हैं उसका मसाला डाल दिया है। सो आई एम जस्ट बॉइलिंग द अदर पैक सो कि मैं इसमें डालूं और फिर इसे खाऊं। या मैं इसे करूंगी मिक्स इसके अंदर और अब ये हो जाएगी खाने लायक। सो नाउ इसका कलर अब लाइट हो चुका है और ये खाने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। यो, सो जैसे कि हमेशा मेरी वीडियो होती है दो लोग तो खा ही सकते हैं, सो मैं दो लोगों के बनाना भूल गई थी, बट मैंने जो माल डाल दिया और दो लोगों का ही डाल दिया एंड सो हेयर आई एम। सो नाउ लेट्स ईट इट।